हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम किस स्टेज पे हैं, हम कौन से युग में हैं। किस स्टेज पे हैं और कौन से युग में हैं, और हम आपको एक यात्रा पर लेकर के चलेंगे। और ये यात्रा हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम जिस जिस कालचक्र से होकर के निकलते हैं, उस कालचक्र को हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप रेडी हैं यात्रा के लिए? अगर आप रेडी हैं तो चलिए हम इस यात्रा पर चलते हैं। इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि कलयुग का अंत कब होगा, तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए और आनंद लीजिए। और इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग युग की कब शुरुआत हुई, उसका अंत क्या होगा, और पहला जो युग था वो कौन सा युग था, उसके अंदर क्या खास बातें थी। चलिए चलते हैं। और सबसे पहला युग जिसके अंदर सब लोग आते हैं इस दुनिया के अंदर, इसे कहते हैं हम सतयुग। इसे कहते हैं सतयुग। ये युग 1250 वर्ष का होता है, और इसमें सब लोग सद्भावना के साथ रहते हैं, सभी अच्छे गुण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और किसी भी बुराई का यहाँ पर नामो निशान नहीं होता, इसे हम कहते हैं सतयुग। इसमें सब संतुष्ट और सुखी रहते हैं इस युग में, इसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। बिल्कुल सही पीयूष, आपने बिल्कुल सही बताया। अब अगले युग की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला युग हमारा आता है त्रेता युग। जी हाँ, त्रेता युग, इसे हम सिल्वर एज भी कहते हैं, यानी कि सिल्वर युग। ये युग, हाँ प्लीज कैरी ऑन। ये युग सतयुग के बाद आता है। इसमें भी लोग खुश रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं और सच बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े सी लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है और थोड़ी सी मलिनता दिमागों के अंदर आने लग जाती है, मगर इसलिए इसे सिल्वर एज कहा गया। जी, ये भी 1250 वर्ष का होता है। और इसके बाद जो युग आता है वो इससे और हम थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं, डाउन यदि मेंटली हमारी मेंटलिटी और डाउन हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे पैगंबर जन्म लेते हैं, जो हमें बताते हैं कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, और लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके संदेश को समझ नहीं पाते, और फिर भी उन बुरी आदतों में, बुरे क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं। इस युग को भी हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, और ये भी 1250 वर्ष का होता है। इस युग में हम धीरे धीरे क्राइम और झूठ बोलना, गलत कर्मों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, इसलिए कई धर्म गुरु आए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, और वो अपने धर्मों की स्थापना करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, और परमात्मा एक है और उसके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। तो हम आते हैं बंपर युग, हमारा युग, द ब्लैक युग, दैट इज कॉल्ड कलयुग। ये युग अभी चल रहा है, और ये भी उतने ही समय का होता है जितने की बाकी, और इसके अंदर लोग क्राइम बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये इस युग की, इस काल चक्र की चरम सीमा होती है, क्योंकि इसके बाद जब ये समाप्त होगा तो उसके बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी। द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि कई प्रकार के अवगुणों से लोग भरपूर हो जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कई धर्मों को, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें वॉर, लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये भी 1250 वर्ष का होता है, और इसे हम आयरन एज कहते हैं। और इसके बाद, इसके समापन पर, क्योंकि अभी हम समागम युग में चल रहे हैं, और जैसे ही ये समागम ख़त्म होगा, इसके बाद वापस से हम आते हैं सतयुग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल चार युग हुए और एक युग 1250 वर्ष का है, तो कुल मिलाकर के सारी साइकिल 5000 वर्ष की है। इसके बाद वापस से हम सतयुग के अंदर आएंगे। इसके बाद जो युग होगा वो वापस सतयुग होगा। तो देखिए, सतयुग जल्दी आने वाला है, और इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छे कर्म आपने करने हैं, और वापस आप सतयुग में जा पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रेडिक्शन है कि 2036 में
हमारा कलयुग खत्म होगा, अभी हमारा संगम युग चल रहा है। तो एक संगम युग में हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर सतयुग में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, लोगों की मदद करनी है, परमात्मा को याद करना है, ठीक है, तभी हम इस युग में आ पाएंगे। तो दोस्तों अभी से शुरू हो जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं दीपक चौरसिया पीयूष अरोड़ा के साथ धन्यवाद।